नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। और आज 16 दिसंबर है, संडे का दिन है। राहु काल का समय 4:15 से लेकर के 5:30 तक रहेगा। इसी के साथ चलिए अब बात करेंगे आपकी राशियों की और जानेंगे आज का दिन क्या लेकर के आया है आपके लिए। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड द हैंगमैन। तो आज फाइनेंशियल तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ स्थितियाँ थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी रह सकती हैं, लेकिन अगर बात करी जाए व्यापारियों के लिए तो उनको कहीं ना कहीं पे किसी के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है, कुछ डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं वो लोग। इसी के साथ इमोशनली थोड़ा सा आपको कुछ वेरिएशन महसूस हो सकते हैं, यानी कि इमोशनल डिसबैलेंस आज ज़्यादा रहेगा। इससे बचने के लिए आज अपने घर के वॉशरूम्स में नमक का पानी भर करके रखना है कांच के बोल में। चलिए बात करते हैं आप टॉरेंस की और कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आज के दिन में आप लोगों के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, बिकॉज घर के रेनोवेशन के ऊपर, सजो सजावट के ऊपर आज खर्चा बढ़ सकता है। इसके साथ बात करें जाए रिलेशनशिप्स की तो आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, हालांकि धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए नई नौकरी बदलने के चांसेस हो सकते हैं, मे बी आप इंटरव्यूज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ उपाय की बात करी जाए तो संडे का दिन है, आज भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि द वर्ल्ड एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है, तो काम का पूरा होने के योग नज़र आ रहे हैं, अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो डिले आ रहा था अभी तक वो भी खत्म हो सकता है काम से, हालांकि आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे। आज स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, स्टूडेंट्स नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आज घर के छोटे बच्चे जो हैं उनकी सेहत का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। उपाय की बात करी जाए तो आज किसी भी गौशाला में जाकर के सतनाजा दान करना आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो आज बहुत ही ज़ोर शोर से आप लोग काम के लिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि एनर्जी लेवल्स आज आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे सावधान रहना होगा। हालांकि फिनेंशियली भी आज काफ़ी हद तक आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। इसी के साथ उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। सिंह राशि 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजन। आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना या जल्दबाजी में कोई भी काम करना आपके लिए मुश्किल सिचुएशन को खड़ा कर सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा धैर्य रखें, साथ ही में सही समय के आने का इंतजार जरूर करें। हालांकि रिश्तों के लिहाज से दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी सिंह राशि वालों को गुस्से को त्यागना है आज। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज किसी भी मंदिर में आप लोग 5 रस वाले फल जाकर के दान कर दीजिए। कन्या राशि 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड निकलता है, तो आज सपोर्ट भी आपको हर जगह से मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोग अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अड़चनें आ सकती हैं, रिश्तों में अड़चनें आ सकती हैं। इसके अलावा बात करी जाए व्यापारियों के लिए, तो आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है काम को एक्सपैंड करने का, आगे बढ़ने का, और ख़ासतौर पर जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर बात करी जाए मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों की, तो उनके लिए आज संघर्ष भरा दिन रह सकता है। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तुला राशि कार्ड्स निकल रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स, तो आज के दिन में फाइनेंशियली सपोर्ट आपको हर जगह से मिलेगा। इसी के साथ साथ जो लोग कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं आज का दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को किसी भी ऐसे इंसान को बीच में नहीं रखना है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में आज थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाहर शॉपिंग पर जाने के प्लान्स भी बन रहे हैं, यात्रा भी दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, अपने रिश्तों को आज संभाल करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। उपाय क्या करना है, आज किसी भी मंदिर में जा करके आप लोगों को सतनाजा 7 अनाज मिला करके दान करने हैं। स्कॉर्पियोज द डेथ कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, तो आज संघर्ष भरा दिन रह सकता है स्कॉर्पियोज के लिए। हालांकि धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होती चली जाएंगी, लेकिन दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना या दूसरे लोगों के कामकाज पर ध्यान देना, ये भी आपकी आदतें आज आपके काम को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। साथ ही में दूसरों के बहकावे में आकर भी आज कोई काम मत कीजिएगा। बात करी जाए अगर हेल्थ इश्यूज़ की, तो आज के दिन में कुछ सेहत संबंधी दिक्कतें भी उठ सकती हैं, कोई ऐसा पुराना रोग जो कि आपको पहले परेशान कर रहा हो आज के दिन में भी वो चीज़ें दोबारा वापस आ सकती हैं, तो कोशिश कीजिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ इस उपाय को ज़रूर करें, आज तो संडे का दिन है यानी कि रविवार का दिन है, तो आज सूर्यदेव को जल अर्पित करना तांबे के लोटे से आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ सिरहाने पर सोते समय तांबे के लोटे में जल भर करके रखेंगे और सुबह उठकर उसे किसी भी पौधे में आप डाल देंगे, इससे भी हेल्थ इश्यूज़ खत्म होंगे।
धनु राशि टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो टू ऑफ कप्स दैट मीन्स पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं या फिर किसी के साथ जुड़ाव दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों अगर काफ़ी समय से अगर विवाह के प्रस्ताव के लिए सोच रहे थे, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा फाइव ऑफ सॉर्ड्स दैट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करना होगा। धनु राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर कोशिश कीजिए यात्रा करना भी आप लोग अवॉइड करेंगे। उपाय की बात करी जाए तो आज भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, द डेविल एंड एट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आपके काम में कुछ ना कुछ अड़चनें आ जा सकती हैं। बनता हुआ काम आज बिगड़ जाने की वजह से भी थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। मकर राशि वालों के ऊपर वैसे भी शनि की साढ़े सती शुरू हुई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे गलत काम में या गैम्बलिंग में आप लोग नहीं जाएं। अल्कोहलिज्म को आज के दिन में अवॉइड करेंगे। उपाय क्या करना है, आज रविवार का दिन है यानी कि संडे का दिन है, तो आज जो सूर्य है उसके बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। कुंभ राशि, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सन, तो आप लोगों के लिए आज दिन भी सन की तरह ही रहने वाला है, ब्राइट और सनी। लेकिन इसी के साथ साथ लोगों से उम्मीदें करने के बजाय आज आप अपनी तरफ से इनपुट कुछ डालेंगे तो वो बेहतर रहेगा। रिश्तों में मिठास लेकर के आएगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा करके चलना आपके लिए अच्छा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, तो आज इस तरह का धन आगमन निश्चित है। मीन राशि वालों की बात करी जाए तो आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आज के दिन में दूसरों की देखा देखी करने की वजह से भी आज आपके काफ़ी काम अधूरे रह सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग अपने काम पर फोकस करें, साथ ही में एक गति बना करके रखें, कंसिस्टेंसी बना करके रखें। अगर बात करी जाए आपके लिए पैसों से जुड़े हुए मामलों की, तो आज फाइनेंशियल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करते हुए नजर आएंगे, मे बी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर भी आपका ध्यान जा सकता है। उपाय क्या करना है, आज किसी भी गौशाला में जाकर के हरा चारा दान करना आपके हेल्थ इश्यूज को खत्म करेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए आस्ट्रो तक के साथ।